Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard English lesson number 3.2, that is reading works of art. Students, in this video we are going to see question answer this chapter. So let's begin. Complete the following idioms using the appropriate color term. तो यहाँ पे देखिए color terms दिए गए हैं, blue, black, green, red. तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको use करना है. Give someone a black look. Okay. Out of the blue, the black sheep of the family. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो वंस इन अ ब्लू मून, अ ब्लैक लिस्ट, वैनिस इन टू द ब्लू, ये सब एडियम्स हैं. आप इसके आंसर दे सकते हो, सारे के सारे अंडरलाइंड है तो आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे रेड हैंडेड हम बोलते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू रिमाइंडेड ऑफ व्हेन यू थिंक ऑफ द फॉलोइंग कलर. जब आप समझते हो इसके बारे में, सुनते हो इसके बारे में, पर्पल, ऑरेंज, येलो, पिंक, वाइट, तो आप क्या, कौन सा पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होता है, तो ये आपको बताना है. तो आप अपना खुद आइडिया यहाँ पे बता सकते हो कि पर्पल से आपको क्या याद आता है, ऑरेंज कलर से, येलो कलर से आपको क्या याद आता है. कंप्लीट द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू पैसेज, ये इसका आंसर देखिए यहाँ पे रख दिया गया है अंडरलाइन करके सारे आंसर्स. रजा की जो पेंटिंग है, डू नॉट डिपिक्ट लाइफ लाइक ह्यूमन, ये तो आपके लेसन से ही सब है जितने भी अंडरलाइन है, और हमें पता है कि उनकी पेंटिंग कैसी है, अब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में है. यहाँ पे सारे आंसर्स देख सकते हो. ये यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग, कैसे होते थे पेंटिंग, तो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप होते थे, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन होता था, कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन होता था, कलर ज़्यादातर वो यूज़ करते थे ब्लू एंड ऑरेंज, है ना. और यहाँ पे देखिए स्पॉट द एरर यहाँ पे दिया गया है, स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग ऑफ द, क्या यहाँ पे रॉन्ग है तो वो आपको बताना है. यहाँ पे देखिए फीचर्स की स्पेलिंग तो तुरंत ही नज़र में आ जा रही, किए तो एफ ई होना चाहिए. ज्योमेट्रिक का भी देखिए स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि एम ए लिखा है यहाँ पे, जबकि आंसर एम ई होता है. सारे आंसर से यहाँ पे देख सकते हो आप क्या रॉन्ग है, आप भी देखिए मैच कीजिए. वर्ड रजिस्टर क्या है यहाँ पे देखते हैं. फ्रॉम द पैसेज लिज द वर्ड्स रिलेटेड टू कलर्स डिज़ाइन, तो कलर्स रिलेटेड यहाँ पे इतने सारे आपके पैसेज में दिया गया है, और डिज़ाइन क्या क्या, एब्स्ट्रैक्ट, सीन, ज्योमेट्रिक, ये सब डिज़ाइंस के बारे में दिया गया है पैसेज में. यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है आर्टवर्क जो दिया गया है, एग्जाम्पल आपको पैसेज से ढूंढना है और उन्हें अंडरलाइन करना है, लिंकिंग वर्ड्स जो हैं, लिंकिंग वर्ड्स. एडवर्ब क्लॉज पहला है, दूसरा नाउन क्लॉज. पहला देखिए, दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड. तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप, तो इसी क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू दिस ओनर इनर, तो यहाँ पे क्या है, माइंड एडवर्ब क्लॉज है. ठीक है, यहाँ पे जो इनर माइंड यहाँ पे दिया गया, इनर माइंड ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज, यहाँ से लेके, ठीक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज. वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट. अब यहाँ पे देखिए दैट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, ये नाउन क्लॉज है. That the painting is a visible form of very deep thought. Rewrite यहाँ पे देखिए, very few abstract painting communicate with the viewers. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, write sentence beginning with not many. आपको कैसे start करना है, not many से. So यहाँ पे देखिए answer लिखा गया है, पहला इसका हम देखते हैं not many, क्योंकि very few बोला गया है ना, तो not many उसे कर दिया गया, very few यानी बहुत कम लोग. तो अब नॉट मैनी भी तो वही मीनिंग निकल रहा है इसका, कि बहुत सारे लोग नहीं. नॉट मैनी अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कम्युनिकेट विद द व्यूअर्स. अब यहाँ पे देखिए दूसरा, हिज पिक्चर सीम टू रेडिएट पीस एंड लाइफ. सेंटेंस आपको लिखना है, ये स्टार्ट किससे करना है, पीस एंड, तो यहाँ पे देखिए पीस एंड लाइफ सीम टू बी रेडिएटेड फ्रॉम हिज पिक्चर, यानी कि यहाँ पे जो हिज पिक्चर था यहाँ पे आपको क्या कर देना है, पीस लाइफ से स्टार्ट करना है, पीस एंड, सो पीस एंड और यहाँ पे लाइफ यूज़ किया हमने, पीस एंड लाइफ सीम टू बी
रेडिएट। पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे आप खुद से भी लिख सकते हो या फिर वो भी लिख सकते हो, आंसर दोनों आप यूज़ कर सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द पैसेज, आंसर डायरेक्टली दिए गए हैं आपके वर्कबुक में या जो आपका टेक्स्ट बुक है वहाँ पे, इसके लिए प्लेस छूटे होंगे, ठीक है, ब्लैंक होगा, तो यहाँ पे आपको वही आंसर लिखना है जो ऐसे अंडरलाइन करके दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज से यहाँ पे है मेटाफिजिक्स, तो यहाँ पे देखते हैं आंसर इसका। मेटाफिजिक्स क्या है? ब्रांच है फिलोसफी जो फंडामेंटल नेचर की रियलिटी जो है उसे एक्सप्लोर करते हैं। नेम सम ऑफ द अवार्ड्स वॉन बाय रजा, पैसेज में से ही ढूंढना है, तो आपको पता ही है इनको ये सारे मिले हैं, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों ही इनको मिले हैं। हाउ डिड द आर्टिस्ट हिमसेल्फ डिस्क्राइब हिज वर्क? सो रजा डिस्क्राइब्ड हिज वर्क इन दीज वर्ड्स, माई वर्क इज़ माई ओन इनर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्ट्रीज। यहाँ पे सही, तो आपको पैसेज से ही लिखना है आंसर। स्पॉट द एरर, जहाँ पे जो रॉन्ग मिस्टेक है वो बताना है। तो देखो पेंटिंग स्पेलिंग क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, आता क्या है स्पेलिंग में, ए आई। विलेज की स्पेलिंग देखिए, डबल एल की जगह सिंगल एल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर मैच कर सकते हैं क्या रॉन्ग है क्या राइट है। क्लॉज पे आते हैं, क्लॉज देखिए यहाँ पे, फाइंड एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज एंड अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, सेम चीज़ है वही जो हमने देखा था, ठीक है। माई वर्क इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, तो यहाँ से लेके विच, विच से लेके यहाँ तक पूरा ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो स्पेसिफाई कर रहा है नाउन को। समटाइम्स एन आर्टिस्ट, तो ये यहाँ पे देखिए ये जो आंसर है आपका वेन से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज जो वर्ब को बताता है, वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब को बताता है, वर्ब के बारे में एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पे देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस में आपको ऐड करना है। रजा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी, हिज पेंटिंग्स आर एक्सप्रेसिव, तो इसको कैसे बताएंगे हम, रजा नॉट ओनली हैड ग्रेट क्रिएटिविटी बट हिज पेंटिंग आर ऑल्सो वेरी एक्सप्रेसिव। तो हमने क्या किया यहाँ पे इसे ऐड करने के लिए, हमने क्या किया, तो रजा के जस्ट बाद हमने नॉट ओनली यूज़ किया, उसके बाद हैड ग्रेट एक्टिविटी क्रिएटिविटी पूरा बताया, फिर उसके बाद बट हिज पेंटिंग, यहाँ पे बट हिज के पहले बट यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली, ना सिर्फ रजा सिर्फ बहुत क्रिएटिविटी ही नहीं थे, बल्कि बट ये किस सेंस में यूज़ होता है, बल्कि उनकी पेंटिंग भी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी, ठीक है, इस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट अब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, बट आप 360/480 भी देखो तो क्लियर दिखाई देगा। ट्रू फॉल्स दिया गया यहाँ पे, द गोंड लैंग्वेज सिमिलर टू तमिल, ये गलत है। गोंड आर्ट हैज स्प्रेड मेनली इन नॉर्थ इंडिया, ये भी गलत है। गोंड आर्ट ये ट्राइबल आर्ट है, बिल्कुल सही है, लास्ट वाला भी सही है, 1000 ईयर्स से है ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताना है गोंड आर्ट के बारे में, जो पैसेज में दिया गया है उसी में से आंसर यहाँ पे है, देख सकते हो आप। स्पॉट द एरर, सेम चीज़ वही, आपको जो मिस्टेक्स है वर्ड्स में वो आपको बताना है, स्पेलिंग जो इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करना है। नाउन फॉर्म्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेवलप्ड को हम नाउन फॉर्म में क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। प्रिजर्व को हम क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेशन। सिमिलर को हम नाउन फॉर्म में क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। प्लेजेंट को क्या बोलेंगे, प्लेजेंटनेस। ओके, ये सारे आंसर हैं आपको। क्लॉजेस, यहाँ पे वापस से क्लॉजेस दिया गया है, जो क्लॉजेस हैं यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको। देखिए जिसे यहाँ पे दिया गया है, दैट से आपका स्टार्ट होता है, वी लर्न दैट दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 1000 ईयर्स, तो ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे, ये नाउन क्लॉज यहाँ पे भी है, आंसर्स पूरा देख सकते हो आप। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आपको फ्रेम करना है, जैसे ये दिया गया है, तो इसको आपको कैसे क्वेश्चन में फ्रेम करना है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गोंड ट्राइबल पीपल, तो क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, बाय होम, किसके द्वारा ये प्रिजर्व किया गया है, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, हु हैज़ डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड इट, तो ऐसे ही बना सकते हैं इसका क्वेश्चन, हु भी लगा के और बाय होम यानी किसके द्वारा, और किसने इसे डेवलप किया, प्रिजर्व किया, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। दे आर ट्रांसफर्ड फ्राम जनरेशन टू जनरेशन स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस, सो यहाँ पे बोला गया है कि दे आर ट्रांसफर्ड जनरेशन टू जनरेशन, वो स्मूथली ये प्रोसेस फ्लो किया गया है, ट्रांसफ़र होते गया है, तो यहाँ पे बोला गया है हाउ आर दे ट्रांसफर्ड,
यहाँ पे क्वेश्चन हाउ लगा के आप बना सकते हो डब्ल्यू एच क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पॉन्स में देख सकते हो अपने तरीके से भी पर्सनल रिस्पॉन्स दे सकते हो। अब यहाँ पे ये देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन राइट अबाउट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ गोंड। तो आपको ये लिखना है, पैसेज से भी देख के लिख सकते हैं ये, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एक लेसन बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़े बहुत टफ वर्ड्स हैं, ज़्यादा टफ वर्ड्स भी नहीं है इसमें। यहाँ पे जो मीनिंग आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें जो मिस्टेक है, रॉन्ग है, उसे आपको राइट करना है। वर्ड रजिस्टर यहाँ पे देख सकते हो, कलर्स यहाँ पे, कलर से क्या क्या है, कलर्स, शेड्स, डिज़ाइन में क्या क्या है, पैटर्न, गोंड स्टाइल ये है। क्लॉजेस सेम चीज़ दिया गया है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, यहाँ पे आंसर देख सकते हो। यहाँ पे पैसिव वॉइस में बताना है आपको, देखो ये दिया गया है आपको, डिज़ाइन इंक्लूड सिंपल फीचर्स, सिंपल टेक्सचर, ये आपको क्या करना है, यूजिंग नाउन फॉर्म अंडरलाइन वर्ड। तो और ये दूसरा क्या है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दोनों का आंसर यहाँ पे देखिए दिया गया है। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी डाउट कॉन्सेंट पूछे। इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं आपके क्वेश्चन आंसर के, एक्सप्लेनेशन अभी स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप पूछिए तो आप बताइए, आपके लिए जो भी आप बोलोगे तो वो आपके लिए वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी। कंपाउंड वर्ड्स, लाइफ लाइक, तो लाइफ अगर हम बात करें तो अलग है, लाइक अलग है, दोनों को मिला के क्या कर दिया, लाइफ लाइक। कोस्ट लाइन, कोस्ट अलग वर्ड है, लाइन अलग वर्ड है, दोनों को मिला के एक हमने बना दिया कोस्ट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय पे, तो इसका क्या बनाना है, हमें सेंटेंस बनाना है। स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। द आर्ट, आर्ट्स, आर्ट्स नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पे आर लिखा गया है, तो आर्ट सिंगुलर है इसलिए हमने इजी यूज़ किया, करेक्ट कर दिया हमने। पिक आउट द जिरन, जिरन क्या होता है, आईएनजी ऐड होता है उसमें, इसमें से आईएनजी किस में ऐड है, इसमें, तो हमने इसको ही बताया जिरन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट अ डीप थॉट, ये तो एक्सक्लेमेटरी है, पता चल जाता है हमें पहले ही। टू हिडन वर्ड्स हमें कॉम्प्लिकेटेड में से ढूंढना है, तो कॉम्प्लिकेटेड में से इसमें क्लैम्प, लीड, प्लीट, ये सब आप ढूंढ सकते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी जिसमें जुड़ा होता है वही होता है, जिरन भी होता है और पार्टिसिपल भी होता है। अरेंज द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकल का मतलब समझ ही सकते हो, जिसे डिक्शनरी में दिया होता है वो होता है। यहाँ पे देखिए आंसर ये दिया गया है। मीडियम लेवल एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखिए, रिवॉर्ड, फिर डी से डिसअपीयर, री से रिमेन, एन से फिर आया तो एन से नोटिस, ई से ख़त्म हुआ था इसे पथाइस, देख सकते हो। यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करना है, ठीक है। ही वॉन मेनी अवार्ड्स, सो स्टार्ट कहाँ से करना है, मेनी अवार्ड्स वर वॉन बाय हिम। ओके, ये क्या है, वॉन यानी पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट है यहाँ पे, पास्ट सिंपल टेंस है, तो जब पास्ट में है तो हम उसे वॉज वेयर में कन्वर्ट करते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो ही स्टडीड आर्ट एट नागपुर, तो यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, तो स्टडीड है ये, स्टडीड किस में यूज़, ये क्या है, ये है आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसे हमें किस में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड बीन होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है हैज़ बीन, हैव बीन, और इसमें तो इसे हमने क्या किया, ही हैड बीन स्टडिंग आर्ट एट नागपुर, ऐसे यूज़ किया। प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर फ्रॉम ज्योमेट्री विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, ज्योमेट्री में क्या क्या आता है ये सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखिए दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कंपेयर द पॉइंट्स गिवन ऑन पेज नंबर 16, यहाँ पे देखिए दिया गया है ये, बुक रिव्यू, प्रिव्यू अ प्ले और रिव्यू ऑफ अ पेंटिंग सब दिया गया है। टाइटल ऑफ द बुक, नेम ऑफ द प्लेस, किट, द क्रिएटर, पूरा आंसर देख सकते हो। ये ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए, ये देख लेते हैं। ये वाला जो चैलेंजिंग एक्टिविटी था ये यहाँ पे है, देखिए ड्रॉ का, तो यहाँ पे देखिए द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, नाउन द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन टू ड्रॉ अ मंकी, तो इसे यहाँ पे क्या करना है आपको, ड्रॉ को ही हमने दो तरीके से यूज़ किया, यहाँ पे ड्रॉ को यूज़ किया एज अ नाउन और यहाँ पे ड्रॉ को यूज़ किया एज अ वर्ब। वी सी दैट द आउटलाइंस में वेरी अ लिटिल, तो इसे क्या करना है, मॉडल स्टेट इसका बताना है, तो ये देखो ये इसमें मॉडल वर्ब क्या है, मे है। वी सी दैट द आउटलाइंस में, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है, तो इसे हमने बताया, मे क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है,
ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जैसे मे इट रेन टुडे, क्या आज बारिश हो सकती है शायद, तो ये क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। गोंडाट की क्या क्या फीचर्स है वो यहाँ पे दिया गया है, आंसर डायरेक्टली दिए गए हैं, आप देख सकते हो इसका, ये आप अच्छे से देख लीजिए और आंसर लिख लीजिए। कोई डाउट रखो मैसेज पूछे, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जितने भी हैं यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हो, शॉर्ट नोट्स लिखना है पेंटिंग ऑफ रज़ा पे, गोडाट पे, गोंडाट पे, ठीक है, तो ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो अच्छे से। आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन गैदर करना है आपको, ये सब देखिए। तो आगे आपको कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन बताते जाइए, आपके लिए वीडियोस इस तरीके से मिलते जाएंगे। हिंदी के मराठी के भी अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं तो आप देख सकते हो वो भी, ठीक है, उसमें भी आपको सारे मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए।